मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 की सामान्य हिंदी पाठ एक का जो है सेकंड भाग, साखी कबीरदास का सेकंड भाग यानी सात तक, साखी का सातवें दोहे तक पढ़ाया था। आठ से जो है आज आपको पढ़ना है इस वीडियो में। उस दिन जो है कबीरदास के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय बताए थे। कुछ उनसे संबंधित और चीज़ें हैं, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा कापी में। उस दिन आपको बताए थे कि इनके गुरु जो है रामानंद जी, हिंदुओं के अनुसार और मुस्लिमों के अनुसार बताया जाता है कि कबीरदास के गुरु जो है शेख तकी थे, जो मुसलमान सूफी संत थे। कबीर की जो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है, खुद कहा है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस प्रकार से कबीरदास जो भी उनके दोहे या साखी शबद रमैनी यानी पद दोहे पदावली जो भी हैं, वह जो है स्वयं इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इनकी जो बाणी थी, कबीर की बाणी का जो संग्रह था, उनको जो है यानी कबीर की बाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। बीजक के तीन भाग थे, साखी शबद रमैनी। साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, शबद में गेय पद है कबीर जी का, और रमैनी में चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर कहा है, भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, तानाशाह। कबीर की भाषा के संबंध में जो उस दिन बताए थे हम पिछले वीडियो में, जो इनकी भाषा थी उसके संबंध में दो तीन लोगों का मत है। जैसे पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा, और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को यानी इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो ये कुछ और इनसे संबंधित तथ्य थे। आइए जो है अब हम लोग साखी का आठवां जो इनका दोहा है उसको पढ़ते हैं। केसो कही कही कुकी ना सोइए असरार, आ रात दिवस के कुकड़े कब हूँ लगे पुकारे। कबीरदास ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने उस निर्गुण उस ब्रह्म को बताया कि वह जो है संपूर्ण प्राणी के हर कण कण में, हर जीव में समाया है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि उसी का जीव को क्या करना चाहिए, इस पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद, जन्म लेने के बाद, पैदा होने के बाद उसको जो है ईश्वर का सदैव स्मरण करना चाहिए। उसी संबंध में इनकी ये पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। केशव कही कही कुकिए ना सोइए असरार, आ रात दिवस के कुकड़े कब हमू लगे पुकार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में जो वह परमात्मा है, ईश्वर है, निर्गुण ब्रह्म जो है, उसको जो है कह रहे कि केशव, केशव मतलब ईश्वर, हरि कही कही कुकिए, कही कही मतलब कह कह करके, कुकिए मतलब बोलिए, अर्थात सदैव जो है ईश्वर का स्मरण करिए, ईश्वर का नाम जपिए, ईश्वर को याद करिए। ना सोइए असरार, ना मतलब नहीं, सोइए मतलब सोने से, असरार मतलब निश्चिंत होकर के, कह रहे हैं कि आप जो है निश्चिंत होकर के मत सोइए, अर्थात ईश्वर को सदैव स्मरण करिए। और रात दिवस के कुकड़े, रात ही मतलब रात के, दिवस माने दिन के, कुकड़े मतलब उस ईश्वर को याद करने से, बार बार ईश्वर को रात दिन जो है उसको बुलाने से, कब हूँ लगे पुकार, कभी अवश्य आपकी पुकार वह सुनेगा, यानी आपकी आवाज जरूर सुनेगा, और आपसे ईश्वर का यानी आत्मा से उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। नौवें देख लीजिए, लंबा मार्ग दूरिगत विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इसमें पुनः जो है उस ईश्वर के साक्षात वह जो है रूप के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूरिगत, लंबा मार्ग
यानी जो ईश्वर है, जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, लंबा मार्ग, उसका जो मार्ग है अर्थात उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है वह अत्यंत क्या है, लंबा है। लंबा मार्ग दूरी कर उसका जो उसको वहां पहुंचने का जो हमारा रास्ता है, मार्ग है ईश्वर के पास, वह जो है लंबा है, बहुत ही लंबा है। आ दूरी घर, और उसका जो घर है, जो निवास है उस ईश्वर का, वह जो है अत्यंत दूर है। और करें कि विकट पंथ बहुमार्ग, और विकट मतलब कठिनाइयां, पंथ माने मार्ग में, बहु माने बहुत सी, यानी करें कि और उसके मार्ग में, यानी जो ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उस रास्ते में इस बहुत ही क्या कर रहे हैं कि बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी रुकावट हैं। वह रुकावट कौन सा है, जो ये सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक बंधन है। और कह रहे हैं कि कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, और लास्ट में कह रहे हैं कहो संतो क्यों पाइए, कह रहे हैं कि हे संत भाइयों क्यों पाइए, कैसे पाए दुर्लभ हरि दीदार, उस दुर्लभ मतलब जो सुलभ नहीं है, उस दुर्लभ हरि ईश्वर के दीदार माने दर्शन को। कह रहे हैं कि संत भाइयों कहिए कैसे पाया जाए उस दुर्लभ, यानी जो सुलभ नहीं है, उस ईश्वर के दर्शन का कैसे दीदार किया जाए, कैसे उसको पाया जाए। अगला है यह तन जा रहो मसी करो लिखो राम का नाम, आ लेखड़ी करो करंक की लिख लिखी राम पठाओ। एक बात आपको इसमें बता दें, बार बार राम शब्द आया है। एक बार हमसे एक लड़का पूछ भी रहा था, तो बता दे रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कबीरदास ने जो राम शब्द का उच्चारण किया है, या राम शब्द जहां भी इनके काव्य में आया है, उस राम का संबंध जो है उस निर्गुण ब्रह्म परमात्मा से है, न कि दशरथ पुत्र राम से है, क्योंकि इसका वर्णन स्वयं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो इन्होंने हिंदी साहित्य का अपना इतिहास लिखा है, उसमें भी इस बात को रामचंद्र शुक्ल ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कबीर के राम है वह जो है निर्गुण ब्रह्म है, न कि दशरथ पुत्र राम है। तो यहाँ देखिए दसवें में लिखा हुआ है कि यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह माने यह, तन माने शरीर, जारो माने जला दे, मसी करो, मसी माने स्याही या कालिक या राख, राख से तात्पर्य यहाँ स्याही से ही है। यह तन जारो मसी करो, कबीरदास जी कितनी ऊंची बात यहाँ उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के संबंध में कह रहे हैं कि यह तन जारो मसी करो, यानी यह पूरा शरीर जला करके इसको, इसकी जो राख है उसकी स्याही बना दें। लिखो राम का नाम, और क्या करें उस स्याही से, उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस निराकार निर्गुण ब्रह्म का नाम लिख करके, आ लेखड़ी करूं करंक, लेखड़ी लेखड़ी माने कलम, करूं बना दूं, करंक की, करंक माने जो शरीर की हड्डियां, मतलब इनका साफ है, करें कि शरीर को हम पूरा जला दें और इसकी राख का स्याही बना दें, और जो इन शरीर की हड्डियां हैं उसकी कलम बना करके, और करें लिखो राम का नाम, और लिख लिख राम पठाओ, करें कि उस ईश्वर का नाम लिख करके और उस निराकार निर्गुण ब्रह्म के पास जो है मैं भेजूं। अगला है कई विरहन को मीच दे, कई आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा मोह पैसा न जाए। इसमें कबीरदास जी 11वें पद में कह रहे हैं कय बिरहन को मीच दे, कय माने या तो, बिरहनी मतलब बिरहिड़ी। देखिए बिरहिड़ी यहाँ जो निर्गुण ब्रह्म के जितने भी कवि हैं उनका जो है, या आप जान लीजिए हिंदी साहित्य में भी कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए बार बार इन्होंने जो है स्त्री और पुरुष का वर्णन किया, यानी परमात्मा पुरुष और आत्मा स्त्री, यानी स्त्री पुरुष का, यानी आत्मा परमात्मा का वर्णन यहाँ हुआ है। तो कह बिरहनी को मीच दे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि या तो हे ईश्वर, या तो इस बिरहिणी आत्मा को क्या कर दो, मीच दो यानी मार दो। कय आपा दिखलाए, कय माने या तो, आपा माने आप ही, दिखलाए मतलब दर्शन दीजिए। करें कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप जो है या तो इस बिरहिणी आत्मा को जो आपके विरह में व्याकुल है, तड़प रही है, या तो इसको मार दो,
या फिर इसको आप अपना दर्शन दिखाओ। दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि आठ पहर का दाजड़ा, आठ पहर यानी चार पहर की रात और चार पहर का दिन, यानी रात और दिन का जो दाजड़ा, दाजड़ा माने दग्धावस्था, जलन यानी जो अग्नि से जलाया जाने की जो स्थिति है उसको दाजड़ा कहा गया है। कि जो रात और दिन की जो तपन है, जलन है, जो मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को वह जला रही है, दग्ध कर रही है, वह कह रहे हैं कि मोपय सहा न जाए। मोपय मतलब मुझसे सहा न जाए, वह जो है सहन नहीं हो रही है। फिर से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, या तो इस विरहिणी आत्मा को या तो दर्शन दो या फिर इसको मार दो। कह रहे हैं कि क्योंकि जो आठ पहर सुबह रात और दिन का जो दग्धावस्था है मुझसे सही नहीं जा रही है। अगला देखिए बारह में, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, अनैन रमैया रमि रहा दूजा कहां समाए। यहां जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कह रहे हैं कि रेख माने रेखा, सिंदूर की मतलब जहां सिंदूर लगाया जाता है, यानी सिंदूर की जो रेखा यानी मांग, उसमें कह रहे हैं कि काजल दिया न जाए, वहां काजल नहीं लगाया जा सकता। अर्थात जो जहां उचित है उसको वही लगाया जा सकता है। तो उसी को कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा में, मांग में काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से कह रहे हैं नैनु रमैया रमि रहा, यह जो है नेत्र रूपी रमैया, वह ईश्वर को, उस परमात्मा को स्मरण कर रहा है, उसी का नाम याद कर रहा है, उसी को यह जो है अपने मन में बसाया है, दूजा कहाँ समाए। अब इस हृदय में, इस नयन में, नयन शब्द आया है, नयन का तात्पर्य हृदय से, क्योंकि नयन से ही हम जो है किसी चीज को देखते हैं और उसका जो है हृदय में उसका आभास करते हैं। तो कह रहे हैं नयनु रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए, कह रहे हैं कि मेरे हृदय में, मेरे नयनों में सिर्फ वही ईश्वर जो है समाया हुआ है, दूजा कहाँ समाए, अब इसमें दूसरा कोई समा नहीं सकता। अगला कह रहे हैं सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य सिसर गढ़ माही। कबीरदास बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं कि सायर नाही सीप बिन, सायर मतलब सागर, नाही मतलब नहीं है, सीप बिन मने सीप के बिना, स्वाति बूंद भी नाही। स्वाति आप जानते होंगे कि जो स्वाति नक्षत्र का जल होता है, ऐसा बताया जाता है कि जो समुद्र में सीपी होती है वह जो है स्वाति नक्षत्र का जब जल उसके सीपी में पड़ता है तब उसमें मोती बन जाती है। उसी बात को यहाँ कबीरदास जी करें कि सायर ना ही सीप बिन स्वाति बुद्ध बिना ही, करें कि समुद्र में, सागर में सीप के बिना वह, उसका अस्तित्व नहीं, स्वाति बुद्ध बिना ही और स्वाति बुद्ध के बिना उस सीप का अस्तित्व नहीं। आ कबीर मोती नीप जय शून्य सिसर गढ़ माही, कबीरदास जी कह रहे हैं उसी प्रकार से यह जो हमारा शून्य नश्वर जो शरीर है, इसमें जब तक ईश्वर का समावेश न हो, ईश्वर इसमें न आए, तब तक जो है इस शरीर का, इस आत्मा का, इस जीवात्मा का जो है उद्धार नहीं हो सकता, यह मोती नहीं बन सकता, अर्थात यह जो है इसका मानव जीवन धन्य नहीं हो सकता। अगले में कह रहे हैं पाणी ही त हिम भया, हिम हो गया बिलाई, आ जो कछु था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं इस नश्वर संसार के बारे में बताते हुए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो यह संसार है, यह नश्वर है, यह जो है जिस प्रकार से पानी से बर्फ बनता है और बर्फ जो है पिघल करके वह भाप बन करके उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि पाणी ही तय हिम भया, पाणी मतलब पानी से ही हिम भया, हिम माने बर्फ, भया माने हो गया, यह जो नश्वर संसार है उसकी गति बता रहे हैं कैसी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पाणी ही तय हिम भया, जिस प्रकार से पानी से बर्फ बन जाता है, हिम हो गया बिलाई और बर्फ जो है क्या हो जाता है, बिलाई मतलब वह समाप्त हो जाता है, कैसे गैस बन करके, भाप बन करके। नीचे कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जो कुछ था सोई भया, इस संसार में जो कुछ है ठीक उसकी गति ऐसी ही है, अब कुछ कहा न जाए, अब संसार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी इससे बढ़ करके यह संसार का कोई अस्तित्व नहीं है।
कबीरदास के अनुसार। फिर आगे बता रहे हैं पंद्रहवें में कि पंख उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, आपाड़ी पिया चंचबे भूल गया यह देश। कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं कि इस जीवात्मा परमात्मा के जो बिछुड़न या मिलन का जो यानी यह विरह का ही वर्णन है कि पंख उड़ाड़ी गगन को, पंख माने पाख, पंख उड़ाड़ी माने जब उड़ा, गगन को यानी जब ये बताया जाता है जो कबीर पंथी हैं या कबीर के पंथ को मानने वाले या जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले ऐसा बताते हैं कि यह शरीर जो है एक पिजड़ा है और इसमें निवास करने वाली जो आत्मा है वह जो है किसके समान है, एक पंछी के समान है। उसी का यहाँ जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पंखी उड़ाड़ी गगन को, जब पंखी यानी पंख फैला करके उड़ाड़ी माने उड़ा, गगन माने इस संसार में पेंड रहा परदेश, वह प्रियतम, पेंड माने प्रियतम, रहा मतलब रहा परदेश दूसरे देश में यानी परमात्मा ईश्वर जो है वह दूसरे देश में था, पाड़ी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। और कह रहे हैं कि यह पंछी क्या किया, पाड़ी पिया यानी पानी तो पिया, चंच बिन बिना चोच के ही, और भूल गया यह देश। कह रहे हैं कि और इस देश को क्या हो गया, वह भूल गया, अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि वह ईश्वर का स्मरण न करके वह जो है जो नश्वर यह संसार है, जो संसार नश्वर है उसी में यह भूल गया। अगला है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, आ मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी भास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पिंजर, पिंजर माने यह शरीर पिजड़ा, प्रेम मतलब प्रेम से प्रकाशिया माने प्रकाशित हो गया। यहाँ जो है कह रहे हैं कि जब इस शरीर में इस पिजड़े में ईश्वर का वास होता है तो कह रहे हैं कि वह जो है प्रेम प्रकाश या वह प्रेम से प्रकाशित हो जाता है। अंतरि भया उजास, अंतरि माने हृदय में क्या हो जाता है, उजास माने उजाला हो गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब प्रेम का इस शरीर रूपी पिजड़े में जब प्रेम आया तो उस समय यह शरीर पिजड़ा जो है प्रकाशित हो गया। अंतरि भया उजास, और अंतरि हमारा हृदय भी वह प्रकाशित हो गया। आ मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, और कह रहे हैं कि जब शरीर में प्रेम का समावेश होता है, जब हमारे शरीर में प्रेम शब्द उपज जाता है, आ जाता है, तो उस समय क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी, कह रहे हैं कि उस समय मुख बाणी यानी मुख से जो हमारी बाणी निकलती है वह कस्तूरी, कस्तूरी महमही, कस्तूरी के समान महमह महकने वाली आ बाणी फूटी बास, और जो मुख से बाणी निकलती है वह भी वास करने वाली अर्थात सुगंध देने वाली, कैसी, मुख से जैसे कस्तूरी निकल रही है। कस्तूरी के संबंध में आप पढ़े होंगे कि ऐसा जिक्र किया गया है कि कस्तूरी कुंडली बस है मृग ढूंढे बनमाह, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। कबीरदास ने ये लिखा है कि ऐसा वर्णन होता है कि जो कस्तूरी होती है वह मृग के नाभि में होती है, लेकिन वह मृग जो है हिरण उसको न समझ करके वह जो है पूरे जंगल में दौड़ता है, भ्रमण करता है। कबीरदास जी भी वही बात बता रहे हैं कि जो ईश्वर है वह हमारे अंदर है, वह हर कण कण में है, और हम उसको जो है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। तो वही बात उसी का यहाँ कस्तूरी शब्द आया है कि मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, यानी जब हमारे अंदर प्रेम शब्द का आवागमन हो जाता है यानी आ जाता है, आवागमन नहीं बल्कि हमारे अंदर जब समाहित हो जाता है तो उस समय हमारा अंतर्मन हृदय जो है प्रकाशित हो जाता है, और जब हमारे मुख से जो वाणी निकलती है वह कस्तूरी के समान महमह महकने वाली होती है। 17 देखिए, नैना अंतर यावतु ज्यों हौ नैन जपेव, आ ना हौ देखौ और को ना तुझ देखन देऊ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, नैना अंतर आवतु, नैना माने नेत्रों के अंतर माने अंदर, आवतु तुम आ जाओ, ज्यों हो नैन झपेव, और ज्यों ही तुम हमारे नेत्रों में प्रवेश करो त्यों ही मैं अपने नेत्रों को क्या कर लूं, झपेव बंद कर लूं, ना हो देखो और को। और क्या कर रहे हैं, इनका औचित्य क्या है, इससे तात्पर्य क्या है, कह रहे हैं कि ना हो देखो और को, और मैं न तो और किसी को देखूं और न किसी को, ना तुझे देखन देऊं और न तुझे किसी और को देखने दूं। तात्पर्य यह है कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम हमारे नेत्रों में आ जाओ, और जब ही तुम हमारे नेत्रों में प्रवेश करो त्यों ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं, और
ऐसा क्यों करने के लिए कह रहे हैं? ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि न तो मैं तुम्हारे सिवा और किसी को देखूंगा और न तुझे और किसी को देखने दूंगा। अगला, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुमार का बौरिल चढ़ई चा। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि कबीर हरि रस यों पिया, हरि माने ईश्वर, रस माने रस, यों पिया मतलब इस प्रकार पी लिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह कबीर जो है उस ईश्वर रूपी रस को इस प्रकार पी लिया है कि बाकी रही न था कि अब जो है मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई। और क्या बता रहे हैं कि यह उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक, जिस प्रकार से कुम्हार का पका हुआ घड़ा कलश बहुरी न चढ़ई चाक, बहुरी माने लौट करके, यानी पुनः जो है, लौट का मतलब पुनः, वह जो है चाक पे नहीं चढ़ता। उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रस का ऐसे पान कर लिया है कि अब हमारे शरीर में किसी प्रकार की किसी तत्व की कमी नहीं रह गई है, अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। 19 है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, अबूध समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी, यानी ये आत्मा रूपी, आत्मा जो है सखी शब्द आया है, यानी आत्मा जो है कह रही है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, कि मैं उस ईश्वर को खोजते खोजते कह रहे हैं कि क्या हो गया, रहा कबीर हेराय, यह जो है आत्मा उस ईश्वर में विलीन हो गई, खो गई। और बुद्ध समानी समद में सुकत हेरी जाए, और कह रहे हैं कि यह वैसे ही खो गई जिस प्रकार से कि बुद्ध समानी समद में, बुद्ध मने बुद्ध, समानी मने मिल जाती है, समद मने समुद्र में सुकत हेरी जाए, उसे हेरा नहीं जा सकता, उसे खोजा नहीं जा सकता। मतलब साफ है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह आत्मा कह रही है कि हे सखी, मैं ईश्वर को खोजते खोजते उसी में ऐसे खो गया, ऐसे खो गई जैसे समुद्र में बूंद, जल की एक बूंद जब है खो जाती है, मिल जाती है, तो उसको हेरना, उसको खोजना संभव नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीत उतारे हाथ कर सो बैठे गरमाए। इसमें बता रहे हैं कबीरदास जी, यह घर प्रेम का, यह माने जो यह संसार है, यह कैसा है, प्रेम का घर है, खाला का घर ना ही, खाला माने मौसी का, खाला शब्द आया है, खाला का घर ना ही, यानी मौसी का घर नहीं है, यह जो है संसार प्रेम का घर है, प्रेम पर ही इन्होंने जोर दिया कबीरदास ने, और कह रहे हैं कि शीश उतारे हाथी करे सो पैठे घर माए, कह रहे हैं कि इसको जो है, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, यह परमात्मा रूपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, करें शीश उतारे हाथ कर, शीश को मतलब यह सिर को हाथों में, हथेलियों में लेना पड़ जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्वस्व जो है संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित, अपना पूरा यह शरीर समर्पित करना पड़ जाता है। लास्ट है इसका, इसके बाद पदावली है अगले वीडियो में, लेकिन ये लास्ट वाला देख लीजिए, साखी का लास्ट पद है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, आ सब अधियारा मिट गया जब दीपक के क्षमा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार घमंड, जब मैं था, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब हरि नाही, हरि माने ईश्वर, तब जो है मेरे अंदर, मेरे पास ईश्वर नहीं थे, अब हरि है मैं नाही, अब जो है बता रहे हैं कि अब मुझे ईश्वर मिल गए तो मेरे अंदर अहंकार, अहम का भाव नहीं है। और लास्ट में कह रहे हैं कि सब अधियारा मिट गया, इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब ईश्वर का हमारे अंदर समावेश हो गया, ईश्वर हमको मिल गया, तो मेरे अंतर मन का जो भी अंधियारा था वह सब मिट गया, जब दीपक देख्या माए, यानी जब ईश्वर का ज्ञान रूपी दीपक, यानी ईश्वर जो परमात्मा हमारे शरीर में आए, तो मेरे अंदर का सारा अहंकार अंधकार सब समाप्त हो गया। इस प्रकार से यह जो है साखी का, साखी यही समाप्त होता है, और अगले वीडियो में आपको जो है इनका, कबीरदास जी का पदावली जो है पढ़ाया जाएगा, इसको आप बढ़िया से देख लेंगे।